फैसलाबाद प्रेस क्लब के सामने सोशल मीडिया हेड अजहर मशवानी से सारी यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के अहदेदारों कारकुनान के हमरा एहतजाजी मुजाहरा। एम पी ए फिरदौस राय उम्मीदवार एम पी ए हाजी बशारत डोगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये लॉ है कि अगर कोई बंदा उठाया जाए या उसको गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस करना होता है अदालत में। मेरे भाई अजहर को ना तो अदालत में लाया जा रहा है, ना उसका ये बताया जा रहा है कि वो कहाँ है। हमारी पूरी आवाम, पाकिस्तान और इमरान खान के जो 22 करोड़ आवाम है जिसका दिल धड़कता है इमरान खान के साथ, मैं समझती हूँ इस नाइल हुकूमत को, इस फासिस्ट हुकूमत को फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और हमारे तमाम बंदों को खुदा के लिए बाहर निकालें और डरे ना। इंशाल्लाह ताला इनको इनके घरों में भेजेंगे और इसी तरह इनके ऊपर भी वही मुजालम करेंगे जो जब इस वक्त कर रहे हैं कि फौरी तौर पे अजहर को रिहा किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कि जब मुल्क का जो हाल कर दिया लोगों ने कि किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, जबान पे ताले लगा रहे हैं, घरों में ताले लगा रहे हैं, पेटों पे ताले लगा रहे हैं, करेंगे क्या ये मुल्क के साथ। 1971 में मुल्क के साथ यही कुछ हुआ था जो आज हो रहा है। यही वो लोग हैं, यही वो टीमें हैं, यही वो खिलाड़ी हैं, यही वो ग्राउंड है। ऐसे ही हुआ था 71 में और मुल्क दो लख्त हो गया था, लेकिन कुछ नहीं सीखा हमने। अगर आज भी इन लोगों ने होश के नाखन ना लिए, अवाम का फैसला ना माना, जो अवाम चाहती है उस पर अमल ना किया, चंद लोगों ने, 2% लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, 98% लोग जो चाहते हैं उसको नहीं माना जा रहा है। और आज अगर अजहर बोला है तो उसकी ज़बान को ताला लगा दिया, ताला इतना लगा दिया कि ना घर वालों को पता, ना पार्टी को पता, ना लोगों को पता, कोई पता ही नहीं है कहाँ है ये मुल्क है या जंगल है। ये बनाना रिपब्लिक बन गया है, इसमें अजहर साहब को देना होगा, बाहर लाना होगा। अगर उसका कोई कसूर है अदालतों में लाएं, अदालतें बैठी हुई हैं, अदालतें फैसला करें अगर उसने कुछ किया, लेकिन ये तो कोई नहीं है ना। बलूचिस्तान आपके हाथ से क्यों जा रहा है? क्या उनका मुतालबा है कि नौजवानों को उठाते हैं और नज़र नहीं आता कि कहाँ ले गए हैं? ऐसे ही अजहर को ले गए हैं। उस बाप के, उस माँ पे, उस बहनों पे क्या गुजरती होगी जिसका भाई 8 दिन हो गए हैं, जिसका बेटा 8 दिन हो गए हैं, ना पता दिए हैं कि कहाँ है। एक तो पता होता है ना कि जेल में है, थाने में है, पता ही नहीं है यार ये मुल्क है, ये मुल्क है। ये दो दस्तूर, जो बदमाशी चल रही है इस मुल्क में वो नहीं होनी चाहिए। इस दफ़ा अवाम ने नहीं होने देनी।